मिलता रहता है कि भाई T3 T4 को रिलीज करवाया, समझ रहे हैं बात को? जब वो एक कमी पूरी हुई ही है, मतलब एक रिसेप्टर के ऊपर आके एक हार्मोन बाइंड किया हुआ है, चाहे वो हीमोग्लोबिन चाहे वो गलत चीज, लेकिन वो ट्रिगर तो फैक्टर तो है ना T3 T4 को रिलीज करवाने का, तो फिर पीछे से जो ओरिजिनल हार्मोन है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH प्रोड्यूस होना खत्म हो जाता है, T3 T4 रिलीज होता रहता है, TSH की जरूरत महसूस नहीं होती और ये जो ऑटो एंटीबॉडी होती है अपना काम करती है। गेटिंग माय पॉइंट? स्लाइड्स की तरफ नहीं देखिएगा, पहले मेरी बात समझ लें, स्लाइड्स आपको पढ़ा देता है। एक ऑटो एंटीबॉडीज बनती है TSH रिसेप्टर के खिलाफ, TSH रिसेप्टर के ऊपर जाके वो ऑटो एंटीबॉडीज बाइंड करती है, ऑटो एंटीबॉडीज जब बाइंड करेंगी तो T3 T4 के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देंगे, T3 T4 की प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली TSH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी सब कुछ, ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है थायराइड ग्रेव्स डिजीज के बारे में, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी एक चीज है आप उसको कंटिन्यूसली ट्रिगर किए जा रहे हो तो उसके साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज, मतलब हमारे पास थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूसली स्टिमुलेट हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकुलर सेल्स पढ़े थे आप लोगों ने, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट नॉर्मल हिस्टोलॉजी का सवाल है। थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जहाँ पे T3 T4 स्टोर होता है, जब T3 T4 का ट्रिगर आता है ना ऊपर से TSH आता है आके बाइंड करता है रिसेप्टर के ऊपर, फिर T3 T4 उन फॉलिकुलर सेल्स में से बाहर निकलता है, दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा हमारे पास बेसिकली अब आपको साइज वाली बात भी समझ में आ गई, तो नेक की स्वेलिंग प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर जब पेशेंट ग्रेव डिजीज से सफर कर रहा हो, तो आप किसी को बता सकते हैं पेशेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म में है एंड ड्यू टू ग्रेव डिजीज व्हाई डज हिज नेक अपीयर स्वोलन, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे? ग्रेट, अब आपके सामने ये ग्रेव डिजीज के सिम्टम्स हैं, अगर आपको T3 T4 की नॉर्मल फिजियोलॉजी